क्वेश्चन, लेकिन आपको आपके लिए कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है, आप पूछिए। मैं कभी नहीं ऐसा कहता कि ये क्वेश्चन छोटा है बड़ा है। कई बार इतने छोटे क्वेश्चन से आप फॉर्म फिलिंग के लिए रुके रहते हो कि अगर ये नहीं पता चलता तो ये वीडियो छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ उसको टाइटल दे के। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर मेरा डोमिसाइल, मेरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट इस साल का बना है, यहाँ का बना है, वहाँ का बना है, एससी का, बीसी का, वैलिडिटी कितने साल की है। सिंपल आंसर, जो एससी का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड है, क्योंकि ये बाय बर्थ है ना, रिजर्वेशन जो है हमने कास्ट को एस्क्राइब्ड स्टेटस दिया है, याद रखना। सोशियोलॉजी वाले समझते होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बीच में आ सकता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है ये सोशल स्टेटस, जो आपको चेंज नहीं सोसाइटी करने देती, ठीक। तो दैट इज़ वाई अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट एसटी, ये भी एसटी भी, ठीक है, तो ऐसी ये भी लाइफ के लिए, सॉरी एसटी भी लाइफ के लिए, ओके, बीसी भी लाइफ लॉन्ग के लिए। ये कहाँ से पता करते हैं? मुझे भी जब कन्फ्यूज़न होती है मैं एडवोकेट सर को फ़ोन करता हूँ, जो तहसील में जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे पता करता हूँ, जिनको इनकी नॉलेज ऑलरेडी होती है, जो प्रोसेस से गुजर के गए हैं उनसे इतना वेरीफाई करके फिर आपको कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ये बात हो गई कि एस टी एस सी बी सी इनका एक बार सर्टिफिकेट बन गया वो लाइफ टाइम के, डोमिसाइल का जिसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं वो 5 ईयर के लिए वैलिड है, ओके। तीसरा, डोमिसाइल उनका पंजाब, क्वेश्चन आ रहे हैं, जो फीमेल जिन जो पंजाब में रहती थी लेकिन बाहर शादी हो गई है, जैसे उन्होंने बताया था मैं उत्तराखंड में चली गई हूँ, मैं इधर मेरी शादी हो गई है, तो ये देखना है कि अगर आपको वहाँ गए 5 ईयर हो गए हैं, ठीक, तो आप 5 ईयर के बाद का डोमिसाइल आपका वहाँ का बनेगा। अगर 5 ईयर से कम है तो आपके बर्थ प्लेस का बनेगा, बर्थ प्लेस का बनेगा, यानी अगर पंजाब से गए थे अभी 4.5 साल हुए हैं तो आप इधर के हो अभी, अगर 5 साल हो गए हैं तो आप उधर के हो अभी। सो रेजिडेंस का, डोमिसाइल का क्राइटेरिया 5 ईयर है, ठीक। अगर उल्टा है, बाहर से आप पंजाब में शिफ्ट हुए हो तो भी यही चलेगा कि 5 साल यहाँ रहते हुए आपको हो गए हैं, अगर हो गए हैं तो आप वहाँ के डोमिसाइल हो, ठीक है। एक वीडियो बना रहा हूँ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने से पहले, जिसमें एमसीक्यूज़ के बारे में होता है, सबको शॉर्टकट की पड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक मेरे हिसाब से, जितने शॉर्टकट मिलते हैं लीजिए, लेकिन जो अनसाइंटिफिक हो रहा है, कुछ आपको नुक्ते तुक्का लगाने के, गैस लगाने के, रैंडम गैस लगाने के या दूसरे बताए जाते हैं, वो उनका एनालिसिस कुछ किया है मैंने, अपनी रिसर्च की है और कुछ कंपैरिजन किए हैं, तो वो एक वीडियो में बताऊंगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार उसको ज़रूर देख लेना, जब कोई भी एमसीक्यू एग्ज़ाम दे रहा है, बेशक वो 10th के बच्चे हैं, प्लस 2 के बच्चे हैं, एंट्रेंस टेस्ट के हैं, सिलेक्शन के हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट का है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, कोई जॉब का एग्ज़ाम है, उन सभी पर वो अप्लाई होगा, ठीक। तो कृपया उसको देख के आप बाकी YouTube जितना यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लीजिए जितनी मिलती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना आपका काम है, ठीक। मैं भी जो इन एनालाइज करूँगा उस पर विश्वास मत कीजिए, आप खुद सोचिए, साइंटिफिक थिंकर हो, क्रिटिकल थिंकर हो। तो बच्चों को भी हमने एक लाइफ स्किल भी है, 10 लाइक कोर लाइफ स्किल्स हैं, उसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के बाद उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज बनाइए फिर अप्लाई कीजिए। तो मैं हो सकता है कि जो वो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो अप्लाई कर रहे हो वो आपके फ़ायदे की जगह उतना ही नुकसान कर रहे हो, जिनका सी टेट पी टेट ऐसे ये क्लियर नहीं हो रहे और वो उन जो टेक्निक्स बताई जाती हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, वो गलत फॉलो कर रहे हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि आप ऐसे सोच के फिर उस एमसीक्यू को सॉल्व करने की टेक्निक
जो है यूज़ कीजिए। तो मेरे ख्याल में अगर वो कंट्रीब्यूट करती है, आपको कुछ करेक्ट डायरेक्शन देती है, तो काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखिए। और MCQ टेस्ट किसी ने भी देना है उसको सजेस्ट कर सकते हो, भाई एक बार ये देख लो। मैं भी गलत 100% गलत हो सकता हूँ, साफ कह रहा हूँ, है ना। तो लेकिन मुझे मेरे दिमाग ने जो कहा, जो एनालिसिस किया, क्योंकि रिसर्चर हूँ, इतनी PhD करवा चुका हूँ, एनालिसिस करते 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 ब्रेन रिसर्चर का हो जाता है, हर चीज़ को रिसर्च के ढंग से देखते हैं। तो प्लीज़ एक बार उसको कंसिडर ज़रूर कर लीजिए, उसको नेगेटिवली मुझे फीडबैक दीजिए कि सर आपने ये गलती। थैंक यू।